वो रुक गया और ध्यान से उधर देखने लगा। तभी झाड़ियों को चीरता हुआ सच में एक भेड़िया वहां आ गया और राजू के सामने खड़ा हो गया। राजू ये देखकर डर गया। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, जल्दी कोई बचाओ, ये भेड़िया ये मुझे खा जाएगा। राजू अपने प्राण बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ के चिल्लाने लगा। अरे सुनो, वो राजू फिर से भेड़िया आया चिल्ला रहा है। चिल्लाने दो, अब उसके झूठ के जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। चुपचाप अपना काम करो। सही कहा, अगर वहाँ गए तो फिर से हमें देख के हंसेगा और हमारा मजाक उड़ाएगा। उधर राजू मदद के लिए चिल्लाता रहा, पुकारता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात को फिर से मजाक समझकर जाना जरूरी नहीं समझा। इधर भेड़िया राजू के भेड़ों की तरफ बढ़ता जा रहा था। राजू असहाय होकर भेड़िये के ऊपर चिल्लाने लगा। कोई तो बचाओ,